हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जीबू का अकाउंट ऑटो ट्रेडर वेब में कैसे ऐड किया जाए। ब्रॉडली इसके तीन स्टेप्स होते हैं। पहले तो आपको एपीआई की जनरेट करना होता है, जो कि जीबू की वेबसाइट में जाके जनरेट करना होता है। स्टेप टू, आपका जो सिक्योरिटी आंसर है, जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, अगर उन सारों का आंसर सेम नहीं है तो आपको वो अपडेट करके एक सेम ही आंसर सारे क्वेश्चंस को देना है, क्योंकि ऑटो ट्रेडर वेब में सिक्योरिटी आंसर के लिए एक ही फील्ड होती है। तो ये एक चीज आप याद रखिए कि जितने भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस है उसको सेम आंसर देना है। स्टेप थ्री, आपका जीबू का अकाउंट ऑटो ट्रेडर वेब में ऐड करना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। पहले स्टेप वन ये है कि आपको एपीआई की जनरेट करना है। तो यहां पे जैसे दिया हुआ है कि जीबू को वेबसाइट में लॉग इन करें और सेटिंग्स में सिक्योरिटी टैब में चाहिए। तो ये जीवू की वेबसाइट है, यहाँ पे सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो ये सिक्योरिटी टैब है। यहाँ पे देखिए एपीआई सेटिंग्स करके सेक्शन रहेगा नीचे। अभी मेरा एपीआई की ऑलरेडी जनरेटेड है तो मैं उसको रीजनरेट कर लेता हूँ फॉर द डेमो पर्पस। एपीआई की रीजनरेट होके आपके ईमेल में आपको एक मेल आ जाएगा जहां पे आपकी एपीआई की मेंशन रहेगी। वो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, मुझे ये मेल आया है, यहाँ पे एपीआई की मेंशन्ड है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर भी आप यहां से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि सभी के लिए आपको सेम आंसर देना है, ठीक है। स्टेप थ्री, एड योर अकाउंट टू ऑटो ट्रेडर वेब। अभी ये कैसे करना है वो देखते हैं। हमारे वेब ऑटो ट्रेडर वेब में पहले लॉग इन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सेटिंग्स में ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाना है, क्रिएट बटन दबाना है, ब्रोकर को जीबुल सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको हेल्प की जरूरत लगेगी तो वो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका जो लॉगिन आईडी है जीबुल का वो डालना है, उसका लॉगिन पासवर्ड डालना है जीबुल का, जो सिक्योरिटी आंसर जो हमने सेम सेट किया था वो डालना है, और उसके बाद एपीआई की डालना है। तो अभी वन बाय वन मैं ये सब चीजें डालता हूं। इसके बाद वैलिडेट बटन दबाइए। हमारा सिस्टम आपके क्रेडेंशियल जीबू के सर्वर से चेक करेगा, अगर सब कुछ सही है तो अकाउंट वैलिडेशन सक्सेसफुल करके आगे आएगा। डू यू वॉन्ट टू सेव द अकाउंट? यस, तो सेव कीजिए। ठीक है, आपका अकाउंट सक्सेसफुली सेव हो गया है। अगर आप अभी ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो में जाते हो तो आप अभी मुझे यहाँ से, मैं मेरा जीबू का अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा जीबू का लॉगिन आईडी है। ये देखिए जीबू का जो डेटा है मेरा वो यहाँ पे अभी दिख रहा है। 5689 मेरा मार्जिन अमाउंट है। तो अगर मैं यहाँ पे फंड्स में जाता हूँ तो ये देखिए 5869.36, 5869। तो इस तरह से आप जीबू अकाउंट हमारे सिस्टम में ऐड कर सकते हो, और फिर उस अकाउंट को मल्टी ब्रोकर मल्टी अकाउंट ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर्पजेस के लिए। पोर्टफोलियो मैनेजर्स इस सिस्टम को यूज करते हैं, और भी काफी सारे फीचर्स हैं इस सिस्टम के। पीएमएस जो वाइडली यूज फीचर है, मल्टी ब्रोकर मल्टी अकाउंट ट्रेडिंग आपको काफी आसान तरीके से ये प्लेटफॉर्म अलाउ करता है। उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग है, पीएमएस भी एक तरह का कॉपी ट्रेडिंग ही है, और ये मास्टर चाइल्ड कॉपी ट्रेडिंग जो है वो प्राइमरीली एल्गो के ऑर्डर्स कॉपी करने के लिए यूज होता है। एपीआई लाइब्रेरीज है, तो अगर आप प्रोग्रामर है, आपका खुद का एल्गो डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे एपीआई लाइब्रेरीज अवेलेबल है इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ट्रेडिंग व्यू ऑटोमेशन आप कर सकते हो, एक्सेल टूल्स भी अवेलेबल है, अगर आपको बल्क ऑर्डर्स कॉपी करने हैं मेनी अकाउंट्स में तो वो भी अवेलेबल है। ये सारे फीचर आपको एक ही पैकेज में मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह जीबुल का अकाउंट ऑटो ट्रेडर वेब में आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो हमें मेल कीजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप आपका क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।